स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के लिए लाल किला पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस सहित विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां सुरक्षा चक्र बनाकर भी तैयार हो चुकी हैं। यहां पर जगह जगह मेटल डोर डिटेक्टर लगाए गए हैं, जिनके जरिए यहां आने वाले लोगों को प्रवेश की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा यहां पर बड़े बड़े क्रेन ड्यूटी पर रखे गए हैं, ताकि अगर कोई भी वाहन जबरन घुसने की कोशिश करे तो उसे रोका जा सके। गणतंत्र दिवस के मौके पर जिस तरह से घटना हुई, उसे लेकर पहली बार कंटेनर की दीवार खड़ी की गई है। मुख्य गेट पर यह 6 मंजिला दीवार खड़ी की गई है, ताकि कोई जबरन अंदर ना घुस सके। यहां पर पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया है, जो बाहरी सुरक्षा चक्र के घेरे को संभालेगी। इसके अलावा दिल्ली पुलिस, SPG, NSG आदि के कमांडो जगह जगह तैनात किए गए हैं। यहां आने वाले लोगों को किस तरह की सावधानियां बरतनी हैं, इस बारे में ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं संयुक्त आयुक्त संजय कुमार। जैसा कि आप जानते हैं, हर एक वर्ष की तरह 15 अगस्त को इस बार स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा लाल किले पर धूमधाम से। हमारे प्रधानमंत्री जी वहां झंडा फहराएंगे। इस बार इस स्वतंत्रता दिवस की खासियत यह है कि केवल आमंत्रित लोग ही स्वतंत्रता दिवस लाल किले पर देखने के लिए आ सकते हैं, बाकी लोग दूरदर्शन अथवा अन्य चैनलों पे इस समारोह का लुत्फ़ उठा सकते हैं। इस समारोह के मद्देनज़र रखते हुए कुछ सुरक्षा निर्देश भी दिल्ली पुलिस ने से बताए गए हैं। जो भी लोग आमंत्रित हैं, वो समारोह में कृपया बिजली उपकरण जैसे ट्रांजिस्टर, डिजिटल उपकरण, लैपटॉप, दूरबीन इत्यादि न लाएं। इसके अलावा खाने पीने की चीज़ें जैसे टिफ़िन, खाने के पैकेट, पानी की बोतल, सिगरेट, माचिस, चाकू इत्यादि भी न लाएं। अगर कोई संदिग्ध वस्तु दिखती है तो यातायात पुलिस के हेल्पलाइन पे या लोकल पुलिस के जो लोग वहाँ डिप्लॉयड हैं उनकी जानकारी में लाएं। इसके अलावा आपसे अनुरोध है कि कोविड प्रोटोकॉल भी फॉलो करें। इस वक्त हम खड़े हैं लाल किला पर, जहां स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम 15 अगस्त को आयोजित होना है। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम VVIP आएंगे और इसे लेकर यहां पर सुरक्षा का चक्र लगातार मजबूत किया जा रहा है। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि पहली बार यहां पर सुरक्षा के लिए मेन गेट पर कंटेनर का इस्तेमाल किया गया है। कंटेनर के कई मंजिल बनाकर यहां पर आने वाले वाहनों को रोका जा सकता है, किसी भी प्रकार के हमले को रोका जा सकता है, ताकि यहां से कोई भी लाल किले के भीतर दाखिल ना हो सके। इसके अलावा जगह जगह पर CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं और CCTV कैमरे के जरिए कंट्रोल रूम से यहां पर निगरानी की जाएगी। आप मेरे एक तरफ देख सकते हैं कि यहां पर किस तरीके से आतंकियों के पोस्टर भी लगाए गए हैं और यहां पर आसपास लोगों को भी यह सूचित किया गया है कि अगर किसी भी प्रकार की संदिग्ध वस्तु या किसी संदिग्ध व्यक्ति को देखे तो तुरंत इसकी जानकारी दे। दिल्ली पुलिस गणतंत्र दिवस पर जिस तरीके की घटना हुई, उसे लेकर पूरी तरीके से सुरक्षा चक्र को मजबूत कर रही है। पुलिस का कहना है कि इस बार लाल किला की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। खुद यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे, इस वजह से सुरक्षा को कई चक्रों में बांटा गया है। यहां दिल्ली पुलिस के अलावा अतिरिक्त पुलिस बल सहित कई एजेंसी सुरक्षा का काम करेंगी। यहां जगह जगह विशेष तरह के CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिन्हें अगर कोई भी संदिग्ध दिखेगा तो वह तुरंत इसका अलार्म भी कंट्रोल रूम में देंगे। यह आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से लाल किला के भीतर सुरक्षा चक्र मजबूत किया जा रहा है। यहां पर तैयारियां चल रही हैं, लगातार वरिष्ठ अधिकारी यहां पर निगरानी कर रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, NSG तमाम एजेंसी यहां पर सुरक्षा में तैनात हो चुकी हैं और पूरी तरीके से सुरक्षा चक्र को मजबूत कर रही है, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो। इसके लिए खुद दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थाना भी लगातार सुरक्षा चक्र पर नज़र बनाए हुए हैं। अमित झा, ETV भारत, दिल्ली।